मित्रों नमस्कार। हिंदुओं से प्रेम और हिंदुत्व से घृणा, इस विषय पर आपने पिछले पॉडकास्ट में जाना कि किस तरह से एक विचार को, एक नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। अब आप किसी फल को खाते हैं, उदाहरणार्थ आप आम का फल खाते हैं, तब आप देखते हैं कि आपको आम के मौलिक स्वरूप से, उसकी पहचान से फल को, फल के स्वाद को अलग करने में कितनी कठिनाई होगी। तब आप यह नहीं कह पाएंगे कि आप केले का रसा स्वादन कर रहे हैं। मित्रों, ठीक उसी तरह यह कार्य किया जा रहा है, यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। YouTube पर एक चैनल चलाने वाले प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। वे इस तरह के नैरेटिव को स्थापित करने यदा कदा अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं अपने ही समविचारक, समान विचारधारा के लोगों को, जो जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुत्व बुरा है, हिंदू अच्छा है। यह एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इससे ना तो हिंदुस्तान का भला होना है, ना ही स्वयं डॉक्टर मुकेश कुमार या उनके कथित आमंत्रित जैसे राम पुनियानी जी इत्यादि का। सनातन सामाजिक व्यवस्था को निशाने पर लेने वाले आयातित विचारधारा के संपोषक विद्वानों को इस बात का होश नहीं रहता कि वे किस तरह से सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की वैदिक ऋचाओं में सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का तत्व सम्मिलित किया गया है, जिसे विश्व ने स्वीकारा है। विश्व बंधुत्व के सूत्र को भी सारा विश्व स्वीकार करता है, मानता है, परंतु हमारे विद्वान इस तथ्य को नहीं मानते। नहीं मानने की उनकी अपनी मजबूरी है। वे जानते हैं कि वे जब तक हिंदुत्व को अपमानित नहीं करेंगे, तब तक आयातित विचारधारा का विचार प्रवाह वे भारत में नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकृत समूहों को वर्ग संघर्ष का प्रशिक्षण देते हैं, वर्ग संघर्ष पैदा करते हैं और विश्व में भारत को अपमानित करने कराने का दायित्व निर्वाह करते हैं। बेशक ये आयातित विचारधारा का दुष्प्रभाव है। अब जाति प्रथा को ही ले लीजिए। जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप है। ऐसा कालांतर में हो जाया करता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह चक्र वापस विजातीय अंतरजातीय विवाहों को देखते हुए आप महसूस करेंगे कि उल्टा घूम रहा है। अर्थात अब जाति प्रथा को स्थान नहीं है, युवा वर्ग अपने आप इसे तोड़ दे रहा है, धराशाही कर दे रहा है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर अनाधिकृत चिंता करने वाले लोग महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, बल्कि वे कुछ इस तरह का नैरेटिव गढ़ेंगे जो यह सिद्ध करे कि भारतीय नारी को ना तो पहले स्वतंत्रता थी, ना अब स्वतंत्रता है। वे नहीं जानते कि अपेक्षाकृत भारत में नारी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने कर्म क्षेत्र को चुनने की स्वतंत्रता है। वे नारियों के वर्तमान स्वरूप को जैसे अनदेखा कर देते हैं।
प्राचीन काल में स्वयंवर व्यवस्था भी एक इसी तरह का उदाहरण है। एक और उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती जब अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट में जाती हैं तो राजा हरिश्चंद्र, जो राजा डोम के दास होते हैं, उनसे टैक्स मांगते हैं। कहानी का उद्देश्य जो भी हो, लेकिन मुझे तो यह समझ में आ रहा है कि महिलाओं को 16 संस्कारों में हर संस्कार में भागीदारी का अधिकार था। इस कहानी को गंभीरता से मेरे एंगल से जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि भारत में महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक और रिचुअल के अधिकार भी प्राप्त थे। मित्रों, डॉक्टर मुकेश कुमार जैसे विद्वान यह पता साझी करने में भी असफल है कि भारत के भूभाग पर लिखे जाने वाले वेदों में ऋषिकाओं ने भी ऋचाओं का निर्माण किया है। ऋषिकाओं के संबंध में उन्हें जानकारी ना हो ऐसी बात नहीं है। वे जानबूझकर इस तरह के नैरेटिव को स्थापित करने के लिए नारी शोषण के संबंध में बार बार उल्लेख करते हैं। वे नहीं जानते कि अन्य सभ्यताओं, संप्रदायों में नारी की स्थिति क्या है। जरूर जानते होंगे, लेकिन वे केवल हिंदुत्व के विरोधी होने का अभिनय करते हैं। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा कृपया बताइए। आवश्यकता अनुसार हम पॉडकास्ट का अगला भाग भी विमर्श और रिसर्च के साथ प्रस्तुत करेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तथा टिप्पणी करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। प्रिय श्रोताओं, आप सबका सादर धन्यवाद। नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।